दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं या आप SBI का कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको जो है अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। वो इसलिए दोस्तों कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है HDFC बैंक और SBI कार्ड की तरफ से। कोई भी कस्टमर अगर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी ट्रेडिंग करेगा या कुछ भी करेगा दोस्तों, तो बैंक ने साफ साफ धमका के बोला है कि उन कस्टमर्स के अकाउंट पर जो है या तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा या कोई लीगल एक्शन ली जाएगी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इंडिया में अभी तक RBI की तरफ से जो है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है। अब इसी चीज को समझाते हुए दोस्तों समझा दो भैया एक चैनल है जिन्होंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके पूरी वीडियो देख लेना दोस्तों। उसी में से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैं और भी ऐसे अपडेट्स लाता रहूंगा दोस्तों, उसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी बात कर लेते हैं जो SBI कार्ड और HDFC बैंक से रिलेटेड जो अपडेट आई है उसके बारे में। आप देख सकते हो कल के वीडियो में भी हमने ये डिस्कस करा था HDFC बैंक के ऊपर। अभी ये जो खबर आ रही है वो ये है, HDFC बैंक SBI कार्ड वॉन्स कस्टमर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इफ दे डील इन क्रिप्टो करेंसी। सरासर ये लोगों को धमकाया जा रहा है, क्रिप्टो ट्रेडर्स को धमकाया जा रहा है कि भैया अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करोगे, कुछ भी करोगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो आप पर बैंक जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, आपकी बैंक से कटौती की जाएगी, कुछ इस तरीके से ये अभी अपडेट निकल के आ रही है। इस अपडेट को हम देखते हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू एन ईमेल सेंट बाय HDFC बैंक टू रिंकू सैनी, अ 21 ईयर ओल्ड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर फ्रॉम राजस्थान, द प्राइवेट लेंडर सेड वी हैव ऑब्जर्व दैट योर अकाउंट रिफ्लेक्ट प्रोबेबल वर्चुअल करेंसी ट्रांजेक्शन विच आर नॉट परमिटेड एज पर RBI गाइडलाइंस। तो RBI गाइडलाइंस का ये हवाला देकर जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको ये मेल कर रहे हैं कि भैया आप RBI गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये जो RBI गाइडलाइन थी इसको तो यार सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अमान्य घोषित कर दिया था, तो ये किस तरीके से अब मेल कर सकती है। द ईमेल डेट May 28, 2021 हैज बीन रिसीव्ड बाय ब्लूमबर्ग क्वाइंट। देख सकते हो आप, सैनी हु हैज बीन डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज एटलीस्ट फॉर द पास्ट 4 ईयर हैज हेल्ड अ सेविंग अकाउंट विद HDFC बैंक सिंस 2019 दैट ही यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन एंड फॉर हिज रेगुलर एक्सपेंसेस। 4 साल से ये बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, 2019 से इसका HDFC बैंक में अकाउंट है और अब HDFC बैंक इसको मेल कर रही है 2018 की RBI की गाइडलाइन का हवाला देते हुए। इनको सरासर धमकाया ही जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग ना करे।